I read a quote of yours which said, I thank each fall as it has prompted me to do a push-up and stand more stronger to fight back. And which is a fact, because every time you fell down, har baar jab aap gire, aap uthe. And actually, if you really ask me, zindagi ye nahi hoti ki hum kabhi gire hi na. Gir ke uthna hi real zindagi hai. And this is very well said, very rightly. Log aapke sath isliye connect karte hain kyunki aap lecture nahi de rahe. Aap wo nahi bol rahe jo aap hain nahi. Aap wahi bol rahe hain jo aap hain, jo aapne mehsoos kiya. And I think jab aadmi kehta hai na, jab aadmi tap ke nikalta hai, to wo kya hota hai? Wo sona hi ban sakta hai. Aur kuch nahi. So for me, you are gold. You know, your story is actually a story related and filled with inspiration, and it's filled with things which are saying in bold letters ki bhai dekho mere sath bahut kuch hua aur aage bhi hoga, kuch na kuch laga hi rahega, magar maine choose kiya hai ki main gir gir ke baar baar uthunga. Aap to bilkul bacche ke jaise ho. Bacche ke jaise kaise main batati hu, wo aise कि जब बच्चे गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, जब छोटे होते हैं, जब चलना सीख रहे होते हैं, अगर कोई उनको बोल देता कि बेटा इतनी बार मत गिर, तू शायद ना चल पाए, उनको नहीं मालूम. वो गिरता है वो उठ जाता है, वो गिरता है वो उठ जाता है. सो दैट इज योर ब्यूटी. यू आर चाइल्ड. एग्जैक्टली. यू आर चाइल्ड लाइक. आप गिरते हो, आप कहते कोई नहीं, उठ जाओ, आज हिम्मत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे कैसे भी करके. एंड आई एम श्योर देर आर डेज दैट यू डोंट वॉन्ट टू एक्सरसाइज. आई एम श्योर there are days when you don't want to get out of the bed, but you choose that tough path. Kehte nahi bhaiya kuch bhi ho main karke hi dikhaunga. I am going to challenge my own self. That is the beauty. That is what I love in your story. You are challenging yourself over and over and over again. Ye logon mein hota nahi hai aksar DP, but yehi aapki jo kahani hai na, yahi se mujhe lagta hai is so inspiring to the world out there. जो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा. आज यू नो दिस मोर देन आई डू कि आजकल कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं. यंग चिल्ड्रन हु हैव सो मच मोर देन वी एवर हैड, इट्स लाइक दैट, बट स्टिल वो दुखी हैं, वो खुश नहीं है, वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में कमी निकाल ही लेते हैं. सो अगर आपकी कहानी सुनेंगे तो मुझे यही लगता है कि you are such a role model. You have been a role model for the youth of India. And aapke lessons ke through, people are going to learn. So tell me one thing that you would like to tell the youngsters about depression. See, mujhe lagta hai ki hame jo ek statement hum apne bolte hai na apne liye ki I love myself. वो एक बड़ी कंफ्यूज स्टेटमेंट बोलते हैं हम अपने लिए, क्योंकि कंफ्यूज इन द सेंस कि लव का जो रिलेशनशिप है वो हम अपने आप को पैम्पर या अपने आप को कंफर्ट में रख के या अपने आप को बिगाड़ के सो कॉल्ड तरीके से महसूस करते हैं कि हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं. एक्चुअल में वो अपने आप से प्यार नहीं, वो अपने आप से दुश्मनी निकालना होता है. आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो अगर आप अपने आपको इन परिस्थितियों में रख रहे हो. क्योंकि दुश्मन क्यों, समझने वाली बात यह है, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में ऊंचा नहीं उठना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में अपने आप से बेहतर नहीं बनना चाहता? अब ऊंचा उठना, बेहतर बनना, आगे बढ़ना, ये सब अपने आप से प्यार करने का एक एग्जाम्पल है. लेकिन क्या आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप अपने आप को उसी दायरे में रख के ऊपर उठ सकते हैं? क्या आप अपने आप को उस तरीके से बिगाड़ के पैम्पर करके अपना बेहतर रूप निकाल सकते हैं? ये तीनों सवालों के जवाब आप भी जानते हैं. तो ऊपर उठना, आगे बढ़ना या अपना बेहतर स्वरूप निकालना कब होता है पॉसिबल? वेन एवर देर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू. आप देखिए, जब जब आपको टेस्ट दिया गया है, वेदर इट इज अ टेस्ट इन द क्लासरूम, वेदर इट इज अ टेस्ट ऑफ अ सिचुएशन,
whether it is a test given by life. जब जब आपके सामने वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन, आई एम पर्पसफुली नॉट यूजिंग द वर्ड्स डिफिकल्टी, प्रॉब्लम एंड सच थिंग्स, आई एम यूजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन. जब जब देर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, तब तब आपके अंदर से वो नेवर गिव अप का एटीट्यूड निखरा है, बढ़िया हुआ है. और नेवर गिव अप के एटीट्यूड के कारण जब जब आपने अपने आप को पुश किया है, थोड़ा सा आपने आपको कंफर्ट से बाहर निकाला है, ओनली देन यू हैव इंप्रूव्ड, ओनली देन यू हैव प्रोग्रेस्ड, ओनली देन यू हैव टेकन आउट ए बेस्ट आउट ऑफ यू. सो व्हाई आर वी कंफ्यूज्ड कि सो कॉल्ड चैलेंजिंग सिचुएशन हैज बीन गिवन टू किल यू. The perspective needs to be changed. Perfect. Challenging situation is only given to those people who are capable of handling that situation and coming out as a best version of their own self. तो ये उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को निखार के उस सिचुएशन को यूज करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. तो भाई साहब, किस किस को ऐसा मौका मिलता है? तो जिसको मिल रहा है वो तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि उसको निखरने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का मौका दिया जा रहा है. अब उस मौके को आपने यूज करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है उन दो चॉइसेस में से, वेदर यू यूज द करेक्ट बट डिफिकल्ट पाथ और इनकरेक्ट और नॉट सो करेक्ट बट इजी पाथ.